नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 12 Plus 5G versus Vivo Y28 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 12 Plus 5G में 6.42 इंच जबकि Y28 5G में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.97 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 12 Plus 5G में 0.31 इंच जबकि Y28 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 12 Plus 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 12 Plus 5G में 190 ग्राम्स जबकि Y28 5G में 186 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 12 Plus 5G में AMOLED जबकि Y28 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 12 Plus 5G में 6.67 इंचेस जबकि Y28 5G में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 12 Plus 5G में 1080x2400px FHD+ प्लस और Y28 5G में 720x1612px HD+ प्लस मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 12 Plus 5G में 87.36% जबकि Y28 5G में 84.12% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 12 Plus 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Y28 5G में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 12 Plus 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Y28 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 12 Plus 5G में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Y28 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 12 Plus 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Y28 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 12 Plus 5G में Mali G68 MC4 जबकि Y28 5G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 12 Plus 5G में MediaTek Dimensity 7050 और Y28 5G में MediaTek Dimensity 6020 मिलता है। बात करें RAM की तो 12 Plus 5G में 8GB की RAM मिलती है जबकि Y28 5G में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 12 Plus 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Y28 5G में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 12 Plus 5G में अप टू 2TB जबकि Y28 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 12 Plus 5G में Android V14 जबकि Y28 5G में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 12 प्लस 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,390 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Y28 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme 12 Plus 5G में तीन फायदे और चार नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करते हैं Vivo Y28 5G की तो उसमें 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 12 प्लस 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Y28 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है, दूसरा Vivo V30 5G है, तीसरा Realme 12 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।